दुनिया जो है वो शहसवार होना चाहती है। वो सुषमा स्वराज ने 1996 में जब विश्वास मत पर बहस हो रही थी तब ये शेर भी पढ़ा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अब शहसवार के लिए आपको घोड़े के ऊपर जीन कसनी होती है, और दुनिया में सबसे लल्लन टॉप जीन जो है वो हमारे कानपुर में बनती है। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही जीन है। तो ये जो डर्बी अरबी के घोड़े दौड़ते हैं, इधर आओ भाई साहब। अरे संकोच अंकोच तो गुरु धार दो, नाम बताओ अपना। फजल, फजल मिर्जा। फजल मिर्जा, एकदम मिर्जा जोड़ते वजन आता है। वो क्या था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में था ना वो अजय देवगन, सुल्तान मिर्जा। ये जीन यही बनती है। कितने पैसे की है ये जीन? तकरीबन 15 से 20 हज़ार। 20 हज़ार रुपये उतार सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो जो ओलंपिक में घोड़े दौड़ते हैं, और जैसे अमेरिका की, वो अमेरिका की तो है ही नहीं, ब्रिटेन की रानी वानी निकलती है, सब लौंडे घोड़े बैठे आगे पीछे गारर रहती है, यही जीन कैसी रहती है? इसी टाइप की होती है। ये पूरा प्योर लेदर की है? प्योर लेदर। भीतर कुछ तो भरते होंगे कुशन के लिए, फोम हो? यहाँ पे जो है एक तरह का वो होता है, नीचे दर्द है, भूल भूल जी। ये गूल है, गूल गूल जो होता नहीं आपका वो गूल, अरे आपकी वूल, तो हम इतना हम पढ़े अंग्रेजी है, बस वही डब्लू फॉर वूल। आइए चाहे वहाँ रख लीजिए, तो घोड़े की एक पीठ बना रखी है हमने, घोड़े की पीठ बना रखी है, ये घोड़े की पीठ है, धरते इस पे ऐसे, ये मुंह है घोड़े का, ये जो पीठ है, पीठ का शेप होता है, ये गर्दन है, ये गर्दन है, इस पे हमको बैठे हैं। ये ऐसे है, ये कुछ भी नहीं रही ज्यादा। अभी जैसे ये बताइए, जैसे हमारे ये भाई हैं, इनकी अरे वो सब भाग, ये सब भाग रहे हैं, जैसे इनकी शादी, ये लोग घोड़े बैठते हैं उसमें यही वाली जीन होती है, उसमें सस्ती वाली होती है, अब बढ़िया वाली जीन, अब सौरभ की शादी होगी हमारे रिपोर्टर साहब की, तो बढ़िया यहाँ से जीन ले जाई जाएगी, बिल्कुल, और इसको फिर टांग देंगे घर में, कह देंगे ये भैया फलाने के ब्याह में जीन, ऐसे पुश्तैनी जीन चले, फिर गौरव शादी होगी तो उसमें भी वही जीन। तो ऐसी क्या खासियत है हमारे कानपुर के बने इस, अंग्रेजी में इसको सैडल बोलते हैं, ऐसी क्या खासियत है इसमें बताइए मिर्जा साहब? जहाँ तक हमको मालूम है कि तकरीबन 100 साल के पहले से यहाँ ये बन रहा है कानपुर में, और ये आया था जब आप लोग अंग्रेज़ यहाँ पे थे और वो सब बनाते थे अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह थी सब वहाँ पे, तो उस ज़माने में ये ट्रेड यहाँ पे शुरू हो गया था 1890s में, अच्छा खासा ये शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे जब ये US में और वहाँ के लोग, UK के लोग ने काम बंद कर दिया, तो कानपुर में जितने भी लोग थे उन्होंने इसको एज अ ट्रेड शुरू किया, इसको एक्सपोर्ट किया जाए, इसलिए सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से आ गई यहाँ पे, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इसको और इम्प्रूव कर लिया। क्या तो है इसमें टेक्नोलॉजी, क्या है बताइए? टेक्नोलॉजी ये है कि पहले ये लकड़ी की होती थी, काठी कहलाती है, हाँ पहले ये ज़्यादा, एक काठी निकाली जरा, हाँ वो बोलते थे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, तो इसके अंदर जो है वो प्लास्टिक की बनती है, अभी अंदर जो भरा अंदर बेस होता है फ्रेम, जी जी फ्रेम, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वो चाचा क्या कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित क्या कर रहे हैं आप, क्या लगा रहे हैं? गोला लगा रहे हैं। इसको अगर हम स्ट्रेपल की जगह सिलाई करें तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा या इसका? सिलाई होती है बाद में, सिलाई होती है बाद में होगी, फिर ये हट जाएगा कि ये लगा रहेगा? लगा रहेगा। ये वो स्टेपल के बाद फिर फाइनली सिलाई होगी, अभी इसके ऊपर जैसे ये लगा हुआ है इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। और ये सब पूरा लेदर है? पूरा लेदर है जी, जी। कोई गड़बड़ नहीं? कुछ नहीं। शाम को कई लोग बोलते ना, अरे यार लेदर नाम पे कभी कोई कुछ टिका देता है, तो ये पूरा प्योर लेदर है। हाथ भी काला हो रहा है अभी, सफाई होगी। तो ये इसके बनने का क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से शुरू होता है? शुरू से बताइए।
ये आपको फ्री है, पहले ये लकड़ी की होती थी। हाँ, ये लकड़ी की पहले होती थी। उसमें क्या होता था कि ये काठी बोलती है, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं ट्री, ट्री वो पेड़ वाला ट्री, पेड़ वाला ट्री। हाँ, ये ट्री है। हाँ, इस पे हम लोग लेदर वेदर लगा के इसको तैयार करते हैं। फिर कहाँ लगाते हैं? हाँ, उठा बेटा। कितने कितने बना लेते हो रोज आप? तकरीबन साल की कितनी खपत होगी? साल की यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 अच्छी बात है। अगर और भी जगह बनते हैं सेट बनाने को तो 5,000 बना लीजिए आप, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वालिटी बना रहे हैं, कौन खरीद रहा है। जी है, इसका देखिए हम लोग इस पे आपने फोम लगा दिया। जी जी, जी। चिपका दिया। हाँ जी। अब इसके बाद अगला प्रोसेस, अब अगला प्रोसेस इसके ऊपर चमड़ा बना ले। हम थोड़ा चले चले, भाई को एकदम धक हो गया कि लेके जा रहे हैं क्या भाई? इधर थोड़ा रास्ता दीजिए। हाँ, इधर आ गए। आप मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए, लाइव दिखाओ गुरु। अच्छा, चलिए इस पे अब क्या होगा अगला प्रोसेस? अगला प्रोसेस में सीट मांगी जाएगी, उसको समझिए। चिपका ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो ये उसका कवर तैयार करते हैं। वो दोनों को जोड़ रहे हैं। ये जो होता है पार्ट, इसको ऐसे लगाते हैं फंसा के और फिर इसको खींचते हैं हाथ से फिर फिट करते हैं। जी जी जी, ये इस ट्री का नहीं है, दूसरे का ही। पर ये आप पहले से इतना सिल के? हाँ जी हाँ, ये फ्रेम तैयार रखते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी और इसकी क्वालिटी में भी फर्क है, ये सख्त है, ये मुलायम। ये बहुत अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, ये टेस्टिंग टाइल का है, लेकिन ये ऐसे चढ़ा के फिर कस दिया, फिर ये ऐसे बन जाता है। कुछ हमने आपको ये दिखाया, और फिर ये ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ कस गया ये वाला। जी जी जी, ऐसे ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो भाई साहब से प्रेस कर रहे हैं। आप सिलाई कर रहे हो? ये तो चमड़ा नहीं है, ये नीचे से इसको बेस देने की है। ये चमड़ाई चमड़े की रीनी नहीं है, ये प्लास्टिक, ये उसकी है, पीयू की रीनी है। पीयू मतलब यानी कि आपका प्लास्टिक जिसे कहते हैं आप। अरे यार, प्लास्टिक नहीं, चमड़े वाला अच्छा होता है। नहीं, ये तो डिफरेंट जीना, ये अलग कस्टमर की है। सस्ती है? सस्ती है, सस्ती है। तो माल लो तो बढ़िया लो, वरना ना लो। हैं, इसको जब हम बनाएंगे तो ये बेस बन जाएगा, जो आपको देख रहे हैं नीचे का बेस, वैसा वैसा हो जाएगा। हम भी गुरु बड़े होके घोड़ा रखेंगे, तब तुम्हारे हम तीन ले जाएंगे। पॉलिश वॉलिश इसमें होती रहती है लगातार, पर ये जो बैठते होंगे यार, उनका तो पैंट गंदा हो जाता होगा। जब इसको बना लेते हैं तो ऑयलिंग की जाती है, इसको सुखाया जाता है, फिर जब वो सूख जाती है, फिर आप उसको जब आप बैठेंगे तो पैंट गंदे नहीं होगी। ये पॉलिश कर रहे हैं, और वो सब बेल्ट वेल्ट तो कस जाती होंगी एकदम साइड से। चाचा क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं जीम कसने का? 42 साल 43 साल लगा है। 43 साल से कर रहे हैं? यहीं पे काम शुरू किया था पहले कहीं? यहाँ तो लमसम 20 साल तो यहाँ इसी कंपनी में हो गई। 20 साल इस कंपनी में हो गए। आपका क्या काम रहता है चमड़े की सिलाई का? सभी काम जो मिल जाए, सब आता है आपको? जो काम हम मिल जाए वो कर लेते। कितनी उम्र है मोतीलाल जी आपकी? हमारी करीब 62 साल की उम्र है। 62 साल कितना पैसा कितना मिल जाता है? अरे सर, मिल जाता है खर्चा भर का। हाँ। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे प्राइवेट काम करते हैं। वो इस लाइन में नहीं आए? नहीं। क्या वजह रही? बरकत कम है? नहीं, सीखे नहीं। हम परदेश में रहे, यहाँ कानपुर। आप कहाँ रहे? कानपुर में। कानपुर में रहे, परदेश में। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे देहात में हैं। कानपुर देहात में ही? नहीं, यहीं उन्नाव जिला। उन्नाव में। अच्छा, आप कभी घोड़े पे बैठे हो? हमारा रोजे काम थी, जहाँ जब बैठ जाए।
अच्छा यही घोड़ा है। नहीं हमको ये लगा कि भाई जो घोड़ों पे बैठने की सामान तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार करके रख रहे हैं घोड़े पे? ये घोड़े पे जीन है, सैडल। तो कुछ नए लोग आते होंगे आपके पास सीखने के लिए मोतीलाल जी? सब आते हैं, जो काम नहीं जानते सिखाया जाता है। हाँ, जो नया आता उसको सिखाना पड़ता है, सब लोग सिखाते हैं डिपार्ट के अंदर। मिर्जा साहब, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जैसे इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, एमिनेंट राइटर्स आते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं तो प्रोफेसर एमिरेटस रखे जाते हैं, तो मोतीलाल जी जैसे जो कारीगर हैं यहाँ पे कानपुर में, उन्नाव में चमड़े का इतना काम है, या आगरा में, तो जो पुराने हुनरमंद कारीगर हैं, तो इंस्टीट्यूट्स बने प्राइवेट या सरकारी, उसमें इन लोगों को रखा जाए? ये तो इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन टीच डजन्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। हमारे पास जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी टेक्नोलॉजी थी, तो इसी टाइप के लोग हमारे पास थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी टेक्नोलॉजी, IISTM, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम फंड्स लाए थे यूनाइटेड नेशंस से। हाँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट फंड था। हाँ। तो उससे ये इंस्टीट्यूट बनी थी। हाँ। ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क में, और सारी फैकल्टी हम बाहर से लाए थे, इंग्लैंड से, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ये वो। तो जितना आज सैंडरी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये वहीं की देन है, उसी इंस्टीट्यूट। हाँ, तो इस टाइप के भी हमारे पास वहाँ पे जो थे लोग थे, जो तो उस इंस्टीट्यूट में मोतीलाल जी जैसे लोग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हो सकते थे, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट जो है वो है कहाँ, वो आए 2000 में शुरू हुआ था, और 2013 आई हैंडेड इट ओवर टू FDDI, उन्होंने चलाया नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, क्या सैलरी में डिमांड नहीं है, किस वजह से बंद इसलिए कर दिया उन्होंने कि भाई के पास मोमेरेंडम जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, उसमें था कि आप सैलरी का इसमें डिपार्टमेंट चलाएंगे, लेकिन वो अपने ही नहीं चला पाए। उनका अपना डिपार्टमेंट क्या था? उनका फुटवेयर, शूज का। शूज का ही नहीं चला पाए सैलरी के, वो शूज किस वजह से? कहाँ पे बना था ये? ये जब आप लखनऊ जाते हैं, लखनऊ हाईवे पे, तो जैसे ही ये लो लैंड ख़त्म होती ऊपर आता है, तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ UPSIDC लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, उसी के अंदर। देखिए, एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो डैडी आपको ज़्यादा बेहतर समझाएंगे, कि पहले के ज़माने में जो लोग काम करते थे, अप्रेंटिस रखते थे, अप्रेंटिस उनके साथ एक लड़का काम करता था, वो 14 साल 15 साल का आते आते सीखते थे। हाँ। अब जब आप 18 साल तक किसी को पढ़ा लिखा के रखोगे, और फिर कहोगे आके हाथ हाथ का काम करो, वो नहीं करना चाहता। हम अगर चाहें कि किसी को पढ़े लिखे लड़के को लेके आए, वो नहीं आना चाहता इस ट्रेड में, जबकि आप ये कह रहे हैं कि हुनर वाला जो काम है वो बचपन से सीखा जाता है। जब कमाई ज़्यादा होगी, टीवी ने उसकी जो आपने बोली हैं कि इसके अलावा जो है वो दुनिया में और भी कुछ है, टीवी ने ऐसा किया है, इन लोग के साथ जो नए लड़के आ रहे हैं वो नहीं करना चाहते हैं। जबकि हमने कई लोगों को बोला कारपेंटरी जो करते हैं, उनमें यहाँ कितना मिलता है, कहते हैं भाई 200 मिलता है, हमने कहा हम तुम्हें 400 देंगे, हमारे पास आए काम करो, नहीं आना चाहते, नहीं करना चाहते, क्योंकि मॉल में जो है वो सेल्समैन में या वेटर में या इसमें नौकरी मिल रही है, तो एम्बियंस अच्छी है, माहौल अच्छा है, या जो और पढ़ लिख गए तो और इस टाइप के जॉब्स में, तो नोबडी वांट्स, नथिंग अगेंस्ट दैट, बट ये कि ये भी कारीगरी है। हाँ, अरे बिल्कुल है भाई, हम लोग को, और अगर अच्छी पेड है तो फिर एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स जॉब। हाँ, मतलब मेरी चिंता वही है कि मोतीलाल जी का हुनर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एज तो हैंडीक्राफ्ट है, दिस इज काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हाथ से सिलाई, हाथ से कटिंग। तो हम तो इससे खुद ही कहते हैं भैया किसी को लेके आओ, अपना हिस्ट्री बनाओ। और ये जो लड़के सब मोतीलाल जी के चेले हैं, सब नहीं लेकिन अलग अलग। हाँ, काली ही ज्यादा डिमांड में रहती होगी लाल के मुकाबले? 90% काली है, और ये दुनिया के सब देशों में जाती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके उधर सब। अब मजे की बात ये है कि 80% राइडर्स आर वुमेन, 80% राइडर्स आर वुमेन। कहाँ पे ज्यादा होती है महिलाओं की हॉर्स राइडिंग? यूके में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूके। तो अगली दफा हमको जब कोई दिखे ऐसे घुड़सवारी करते हुए, तो ये मान लेना सेफ होगा कि हमारे कानपुर से बन के आई है सैडल। मान सकता है, उनसे मान सकता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन। कितना कितना आपका स्टेक है सैडल उसमें? कानपुर में ही है।
कानपुर के अलावा यहाँ ही नहीं, नहीं पूरे इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, पाकिस्तान में नाम भर के यू हैव टू बी क्लोजर सो दैट दे कैन द फोन कैन रिकॉर्ड द ऑडियो। इंडिया में सिर्फ कानपुर में, इसीलिए हम लोगों को जो है वो GI टैग मिला है इसको सैडल को। हाँ ये GI टैग है जी, ये GI टैग इस इंडस्ट्री को GI टैग मिला है। क्या बात, आप लोग वो भी बनाया करो अगर नहीं बनाते हो तो, जैसे आप जीन बना रहे हो ना। हमारे एक दोस्त हैं पुलिस में, उनको घुड़सवारी का बहुत शौक है, पर वो कह रहे थे कि दुरुस्त जूते नहीं मिल पाते हैं जो कंफर्टेबल भी हों। और कितने यूनिट बने हुए हैं यहाँ के ऊपर जो हमारे दोस्तों के हैं जो सिर्फ सैडलरी राइडिंग शूज बनाते हैं। आप दुनिया में भेजते हो बाहर राइडिंग शूज के जाते हैं? हाँ, अरे हम उनको बोलेंगे फिर आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, चलिए अमन जी जी है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा और उस पर हो गया कि चमड़े की काठी। ये हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि हमीरपुर के पड़ाव से पहले जिस एक चीज़ को GI टैग मिला है कानपुर में, उसके दीदार किए जाएं, और इसलिए हम इस दुकान पे आ गए। आपका कभी मन करता है ऐसे घुड़सवारी करने का? हमारा बहुत मन करता है। एक बार हम बैठे थे घोड़े पे, सब कुछ एकदम बड़ा ऊंचा ऊंचा सा लगता, तो हम लोग जब वो जंग के मैदान देखते हैं कि क्यों एज होता था घुड़सवार सिपाहियों को, या क्यों किसी राजा की शक्ति इस चीज़ से मापी जाती थी कि कितने घुड़सवार हैं, या जमींदारों की मनसबदारों की शक्ति इससे मापी जाती थी कि कितने घुड़सवारों की सेना है, तो अंदाज़ा लगता था। और अभी ऐसे आप GOT वगैरह हम लोग तमाम चीज़ें देखते हैं तो उसमें भी ये दिखता है। एंड आई एम डैम श्योर कि मैं कानपुर के बने सैडल ही गए होंगे वहाँ पे जिस पे जॉन स्नो बैठा होगा। सो वी नो समथिंग जॉन स्नो। थैंक यू।